स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से बेसिक पूरा का पूरा सीखा हमने, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, आफ्टर दैट रूल ऑफ द डिविजिबिलिटीज के बारे में, 2 से लेके 11 तक। उसके बाद एस सी एफ और एल सी एम के तीनों मेथड्स को हमने देखा, है ना, उसको हमने सॉल्व किया अच्छे से, ठीक। अब हम आज देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में? फ्रैक्शन। आपको बताया गया कि जब आपको क्लास देखना है, दोबारा समझना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ये तो चलेगा ही, साथ में ईयरफोन होना चाहिए, कॉपी और कलम साथ में रखिए, ठीक है ना। उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और चीजों को क्या करने का करते जाना है, नोट करते जाना है, ठीक है ना। फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम बात करते फ्रैक्शन की, होगा यहीं से स्टार्ट। जैसे कि नंबर्स था, होल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर में था, ठीक है ना। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बन जाए कि होल नंबर से कम में हो जाए, जैसे कि ये है, ये कितना पेज है, 1 पेज है, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 2। वेरी गुड। अगर हम इसको ऐसा करके ऐसा कर दिया, 2 equal parts में डिवाइड कर दिया, और इसको क्या कर दिया हमने, आपसे पूछें कि ये कितना, हाफ। हाफ मीन्स 1/2। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, 1/2, यानी जितना टोटल था, है ना, इसका जितना पार्ट्स किया गया, 2 पार्ट किया गया, तो 2, 1 पार्ट ले लिया तो 1/2। ये क्या है, पूरे होल नंबर का एक पार्ट है, फ्रैक्शन है। क्या है ये? इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। जब होल नंबर में हम डिनोट ना कर पाए किसी भी चीज को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, भिन्न। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। अब द पार्ट ऑफ द होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। सिंपल, समझ में आ गया। अगर ये कोई एक चीज है, क्लियर है, और इसको हमने क्या कर दिया, तो ये क्या है फिर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब ये क्या है, एग्जैक्टली हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट क्या है, 1 से छोटा है, बट हम इसको एग्जैक्टली डिवाइड एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कितना है, 1 से तो छोटा है। तो एग्जैक्टली बताने के लिए हमको करना क्या होगा, किसी भी एक चीज का हमको इक्वल पार्ट्स करना होगा। क्या करना होगा, इक्वल पार्ट। ये अनइक्वल पार्ट्स है, ये क्या है, अनइक्वल पार्ट्स है, क्लियर है। तो सबसे पहले किसी भी चीज का, होल पार्ट का, हमको इक्वल पार्ट्स करना होगा। क्या करना होगा, इक्वल पार्ट्स। जैसे कोई भी एक चीज है, ऐसे इसको हम 2 equal parts कर दिए ऐसे, और 1 part हम ले लिए, तो ये क्या होगा, इसको कितना पार्ट हमने किया, 2 नीचे हो जाएगा, 1 part हमने लिया तो क्या हो जाएगा, मतलब ये हो गया 1/2। ये कितना है, 1/2, क्लियर है। ये जो ऊपर में हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको बोला जाता है अंश, और इसको बोला जाता है हर, अंश और हर, ठीक है ना। ये है 1/2, यानी हाफ। क्या है ये, हाफ। अब कोई अगर आपको बोले हाफ, तो समझ जाइएगा क्या बात है, क्या बोल रहा है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। मतलब एक चीज को 2 equal parts में करना है, नीचे जो लिखा हुआ है उतना इक्वल पार्ट करना है, और जो ऊपर लिखा हुआ है उतना पार्ट ले लेना है, मतलब वो 1/2, क्लियर है। ये फ्रैक्शन है। 1/4 अगर लिखा हुआ है, इसको
करने के लिए हमको क्या करना होगा, कोई एक चीज को फोर इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड कर देना है। कर दिया, कितना पार्ट लेना है, ये दिया वन बाय फोर। इसको बताइए, ये कोई एक चीज है, सपोज चपाती है, रोटी है, इसको हमने 1, 2, 3, 4 कितना पार्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट किया, और दो पार्ट में हो गया 1, 2, तो ये कितना हो गया, 2 by 6, वेरी गुड, 2 by 6 हो है, सिंपल के लिए। अब फ्रैक्शन समझ में आ गया आपको। फ्रैक्शन तीन तरह का होता है, कौन कौन सा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स फ्रैक्शन। सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न और विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। सम भिन्न किसको बोलते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इसको हम सीखेंगे अभी, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, बेसिकली ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, ये प्रॉपर है, सब प्रॉपर, मतलब कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, यानी संभिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन संभिन्न। देखिए ये चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आगे इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, है ना, पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है, तो आपका मैथमेटिक्स क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। जब यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो मैथमेटिक्स क्या रहेगी, वीक रहेगी, सिंपल सी बात है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे 1/2, है ना, 2/5, 3/7, ETC, इस टाइप के फ्रैक्शन सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन डिनोमिनेटर। इसको आप अपने लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है ना। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो चीजों को समझ जाए, समझने के बाद उसको अपने लैंग्वेज में लिख पाए, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे कि whose fraction अब न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, देन दैट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिन भिन्नों का सम हर से छोटा होता है वो सब भिन्न क्या होती है, सम भिन्न कहलाती है, सम भिन्न कहलाती है। क्लियर है प्रॉपर फ्रैक्शन में किसी को कोई दिक्कत। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें जस्ट इसका उल्टा, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 5/2, 7/6, है ना, 5/8, ETC, ऐसा, मतलब 5/8 नहीं है, 8/5, वेरी गुड। इसमें क्या, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर। इसको भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना, whose fractions having numerator is greater than the denominator is called the improper fraction। क्लियर है। अब हर एक फ्रैक्शन को आपके दिमाग में चलना चाहिए, वही जो फिगर आपको बताया, ये फाड़ के बताया कैसे करके, है ना। इसमें जो है आप कैसे कीजिएगा, प्रॉब्लम इसमें तो कर लीजिएगा भाई, एक चीज का हमेशा ये वन से छोटा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज लेस देन वन, ये भी बात है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होता है ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो ये वन से छोटा होता है, इसको तो आप कर लीजिएगा, कोई भी एक चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके वन पार्ट ले लेना है,
कोई भी एक चीज को पांच इक्वल पार्ट में करना है, दो पार्ट ले लेना है, कोई भी चीज को एक को सेवन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, थ्री पार्ट ले लेना है। लेकिन इधर क्या है, आपका परेशानी बढ़ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर वन से बड़ा है सर, तो इसकी जरूरत क्यों हुई? क्योंकि इसमें होल नंबर और फ्रैक्शन मिक्स है, होल नंबर और फ्रैक्शन मिक्स है। एक जो तीसरा टाइप का है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आता हिंदी में नहीं आता, हिंदी में आता इंग्लिश में नहीं आता। क्योंकि आगे जब आप सीनियर क्लासेस में जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, सब कुछ इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, विषम भिन्न, और ये क्या है, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। अब ये दोनों जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, दोनों एक दूसरे का भाई ही है, ऐसा समझ। मतलब कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब इस शकल में दिखाई देगा तो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज कर सकते किसमें, मिक्स में, और मिक्स को भी चेंज कर सकते इम्प्रॉपर में। इसमें मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि कुछ होल नंबर होता है और कुछ फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि टू होल वन बाई टू, टू होल वन बाई टू मतलब दो चीजें पूरी पूरी हैं, दो चीजें पूरी पूरी हैं, ऐसे ये दो हो गया, और एक जो है आधा है। ये मतलब हम पेपर ले रहे हैं, मतलब इस डायरी का हाफ लेने से टू एंड हाफ हो जाएगा, क्लियर है। टू होल वन बाय टू का मतलब हुआ कि कोई भी चीज हो, जैसे मान लो एप्पल ही है, तो दो एप्पल पूरा पूरा है और एक आधा है, हाफ है, तो उसको बोलेंगे टू होल वन बाय टू, क्लियर है, कोई दिक्कत। इसी को अगर बदलना हो हमको इम्प्रॉपर में, तो ये बन जाएगा फाइव बाय टू। बोलो कैसे, कैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, समझ रहे बात को। मतलब अभी आप इतना समझिए मिक्स चेंज करने का मैं बता रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन में, कि कुछ चीजें होल रहेंगी, है ना, और कुछ चीजें क्या होंगी, फ्रैक्शन में रहेंगी, प्रॉपर फ्रैक्शन में। वन होल वन बाय सिक्स, वैसे ही ये कितना हो जाएगा, वन होल थ्री बाय फाइव, ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। आई बात समझ में, क्लियर है। प्रॉपर इम्प्रॉपर और फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर छोटा रहेगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। मिक्स फ्रैक्शन में कुछ होल रहेगा और कुछ प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा, उन दोनों का मिक्सअप क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इतना बात क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात। अब हम समझेंगे कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में। ये आपके पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से समझिए, जहां दिक्कत होगा बोलिए। फाइव बाई टू, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है। इसको हमको किस में बदलना है, मिक्स में, मिक्स में बदलना है। तो टू को फाइव को टू से डिवाइड करना है, टू से डिवाइड करना है, फाइव को टू से डिवाइड करना है। तो टू टू जा फोर, कितना आया, जितना ये है पूरा पूरी जो आया आपका कोशिएंट, उसको होल में लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, होल में। रिमाइंडर को लिखिए आप न्यूमरेटर में, और इधर जो डिवाइजर इसको लिखिए आप डिनोमिनेटर में, टू होल वन बाय टू, क्लियर है, नहीं समझ में आया।
आपको 5 को डिवाइड करना, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। जो कोशियंट आएगा वो होल में हो जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो यहाँ पे जिससे आपने डिवाइड किया जो नीचे में है वो नीचे ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, कोशियंट वाला होल हो जाएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर में चला जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छी बात। अब इसी को हम अगर चेंज करें, ये बन गया अब मिक्स फ्रैक्शन, किसे बन गया? मिक्स फ्रैक्शन। अब इसी को हमको बदलना है इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में बदलने के लिए न्यूमरेटर को होल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को प्लस कर दीजिए, और डिवाइड में जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो लिखा रहेगा। तो दिक्कत कब के देखते हैं, 2 2 4 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और जो 2 नीचे लिखा हुआ है लिखा रहने दीजिए 5, फिर से वही बदल गया यहाँ। तो इम्प्रॉपर से मिक्स में बदलना और मिक्स से इम्प्रॉपर में बदलना, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, वेरी गुड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और है, फ्रैक्शन बराबर है कि नहीं, देखने में इक्विवेलेंट है कि नहीं है वो चीज को हम सीखेंगे। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं इसको समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं समतुल्य भिन्न। जैसे कोई भी फ्रैक्शन है 1/2, इसके बराबर हमको लिखना है, इसके बराबर हमको लिखना है, तो सेम नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे एग्जांपल, अगर आप 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करते, 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी करते, तो ये बन जाएगा 2/4। ये 2/4 और 1/2 दोनों बराबर है आपस में। अगर आप बोलोगे नहीं सर हम 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, हमको 3 का करना है, तो 3 का कर लो भाई, 3 का कर दीजिए आप, है ना। किसी किसी को बोलो नहीं 2 का नहीं करेंगे हम, 3 का करेंगे, तो 3 का करने से क्या होगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 6, ये भी बराबर है 2/4 के, 3/6 के, 1/2। हम कैसे मान लें बराबर है, तो कैसे मानना है आपको वो देखिए। यहाँ 1/2 को पहले बनाते हैं हम, फिर हम 2/4 को बनाते हैं, फिर हम 3/6 को बनाते हैं। आपको समझ में आएगा कि बराबर है कि नहीं। एक चीज लेना है, कितना पार्ट करना है इसका, 2 पार्ट कर दिया, बीचों बीच रोटी को तोड़ दिया है, ठीक है ना। रोटी को तोड़ने से होगा ना, एप्पल को काटने से होगा, दोनों करने रोटी, ठीक है ना। चलिए 1 पार्ट ले लेना है, ये क्या हो गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे रोटी लियो तो सब जगह रोटी ही लेना पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे वो छोटा बड़ा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, फिर एक रोटी लिया, ये कितना पार्ट बोल रहा है, कर रहा है, कर दो भाई 4 पार्ट, बराबर बराबर करना है, हो गया। कितना पार्ट लेना है, 1/2, ये है 2/4, क्लियर है। अब हम बना रहे हैं 3/6 को, ये रोटी है, कितना पार्ट करना है, 6 पार्ट, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6 पार्ट। हमको कितना पार्ट लेना है, 1, 2, 3, ये कितना है 3/6। फिगर में आप देखिए है तो सब बराबर है ना, 1/2, ये 2/4, ये 3/6, सब तो हाफ ही है, बराबर ही है। मतलब फिगर से समझ में आपको आ गया कि ये तीनों चीजें बराबर ही है। मतलब अगर
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक। और इसका वाइस वर्सा भी, सेम नंबर का डिवाइड करने से भी हमको क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 3/4 है, 3/6 है, 3/6 में सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए। 3 का भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो 3 का डिवाइड होने से क्या होगा? 1, और यहाँ 3 का डिवाइड होने से 2, मतलब 1/2 बनेगा। तो 3/6 और 1/2 आपस में बराबर है कि नहीं है? 2/4 है, ऊपर में 2 का डिवाइड कीजिए, नीचे भी 2, लेकिन डिवाइड होना चाहिए। मल्टीप्लाई तो सब में हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन डिवाइड करने में देखना होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है, होने से जो नंबर आ रहा है फ्रैक्शन, वो इक्वल होगा, इक्वल होगा 100%, ठीक है। क्लियर हो गया ये? सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करने पर जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट होगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 1/5 और 3/15, आपको बोला ये बराबर है कि नहीं, बताना है आपको, आपको बताना है। yes, sir. तो ये है कि नहीं है? yes, sir. क्यों? ये 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। वाह, 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में 3 नीचे में 15, ये तो आपको पढ़ाया, समझ में आ गया। yes, मान लीजिए कुछ ऐसा जो क्लिक नहीं हो रहा है आपके दिमाग में, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आपको करना क्या है कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर से और इसका डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर से कर लीजिए। तो 1 × 15 15 और 5 × 3 = 15, अगर इक्वल आ जाए तो दोनों आपस में इक्वल होगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, समझ में आया? तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को भी यहाँ पे देख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, हमको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, ये क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन समान हर वाली भिन्न, ऐसा बोलते हैं, समान हर वाली भिन्न, और इसको क्या बोलते हैं? असमान, असमान हर वाली भिन्न। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो लाइक फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 1/2, 3/2, सॉरी 5 कर देते, 3/5, 4/5, इस तरीके से ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन। क्या है? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन जैसे 2/3, 5/6, है ना, 7/8, etc. किसी का सेम है? नो सर। ये अनलाइक फ्रैक्शन हुआ, मतलब कि जिसका हर समान नहीं है। क्लियर है? ये जिसका देखने में जिसका हर समान होगा, समान मतलब सेम होगा, देखो 5 है हाँ, डिनोमिनेटर सेम रहे, 5 की जगह कुछ और हो सकता है लेकिन सेम रहे, तो वो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन। और डिनोमिनेटर जिसका सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, वो अनलाइक फ्रैक्शन। अब है क्या बेसिकली यहाँ? लाइक फ्रैक्शन में आप कंपेरिजन कर सकते हो, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है ना। जैसे ये है 1/5, ये है 3/5, ये है 4/5, इसमें आप बता पाइएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? देखते हैं कौन छोटा है, सबसे छोटा कौन है, उसके बाद
उसके बाद तो ये दिमाग में आपके चलना चाहिए कि 1/5 मतलब एक चीज का 5 टुकड़ा करना है, 5 बराबर भाग, एक भाग ले लेना है, फिर किसी चीज का 5 भाग करना है, 3 भाग ले लेना है, तो कौन बड़ा होगा, एक वाला कि 3 वाला? 3 वाला, 3 वाला बड़ा होगा एक से। अगर 4 भाग हो गया तो 4 भाग वाला बड़ा हो गया। तो समझ में आ रहा है ना कि अगर हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में जो न्यूमिनेटर छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। फिर जैसे ये 1/5 3/5 से छोटा है और 3/5 4/5 से छोटा है, ठीक है ना। ये छोटा बड़ा का कॉन्सेप्ट है, लेस देन का साइन है, मतलब जो छोटा है उसकी तरफ चोंच को बंद कर देना, जो बड़ा है उसकी तरफ खोल देना, ठीक है, क्लियर है। पढ़ेंगे कैसे, 1/5 लेस देन 3/5 और 3/5 लेस देन 4/5। लेकिन यहाँ तो दिक्कत है, यहाँ क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, क्या करेंगे, सेम करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए हम पहले इसको क्या करेंगे, सेम। सेम कैसे करते हैं, एलसीएम जो आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था, वो किसी मेथड से आप कीजिए, 3 को 6 को 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं डिवीजन मेथड, तो 2 से कर दीजिए, 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 से तो 2 2 जा, फिर 2 से यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3, अब 3 से कर दीजिए तो 1 1 1 सब जगह आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 क्या आ गया एलसीएम, ये 24 सबका हो गया, क्या हो गया, सबका एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब क्या है कि 3 को 24 बनाने के लिए क्या करना होगा, हाँ वही, मतलब कि अगर 3 को आपको 24 बनाना है तो क्या करना होगा, 8 से मल्टीप्लाई, तो 8 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, नहीं समझ में आया, सबका डिनोमिनेटर 24 हो गया, सबका डिनोमिनेटर 24 हो गया, तो हुआ कैसे, 3 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे, 8 से, जब इसको 8 से करना करोगे तो इसको भी तो करना होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट ना बनाना है, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा मामला, तो ये कितना हो जाएगा 16। 6 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20। 8 को 24 बनाने के लिए क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से इसको भी करना होगा, ठीक है। अब ये 2/3 बन गया 16/24, 5/6 बन गया 20/24 और 7/8 बन गया 21/24। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, मतलब सही लिखा था ऐसे, अगर उल्टा पुल्टा होता तो भी आप लिख सकते थे, आपका भी मेथड सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम सोच रही हो वो भी सही है। कैसे कि 24 को डिवाइड कीजिए 3 से तो 8 आएगा, और फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को डिवाइड कीजिए 24 से तो 4 आएगा, और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम चीज आएगा, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन के लिए एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब अगर इतना आपको आ गया तो फिर इसके बाद फ्रैक्शन का क्या है, ऑपरेशंस आप अपने से अंजाम दे सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, तो इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, आई बात समझ में, ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू वेरी मच। अगर क्या बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हुआ तो वो नंबर 1 हो जाएगा, वो नंबर क्या हो जाएगी, 1, और वो किस कैटेगरी में चली जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कैटेगरी में चली जाएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जो लेक्चर में छूट गया, ठीक है, जा सकते हैं।